हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर क्यू एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो यहाँ पे आप पार्ट वन नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट्स आपके गिवन है, ठीक है? 10 पार्ट्स को आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले वन बाई वन प्रूफ करके चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सो बच्चा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? यहाँ पे कोस थीटा के फॉर्म में है तो इनको हमें ओपन करना होगा। दैट मीन्स 1 अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। साइन थीटा हमारा यहाँ से एलसीएम आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो बच्चा यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो यहाँ से हमें लाना क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा लाना है। तो हम देख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा ऊपर है तो हमें नीचे ना इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। और इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए करके दिखाया जिससे कि आप लोग भी ये कंसेप्ट करें तो ध्यान रखें, हमें ये ओपन करने की नीड नहीं है, यहीं से हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो हम डायरेक्टली यहाँ से रखते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किससे आया, आप आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी से, ठीक है? तो इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, लिख सकते हो ना आप इसको। और ये नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस थीटा है, ऊपर भी एक 1, ऊपर 2 है तो एक से एक 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसका कैंसिल करने का मतलब क्या होता है, स्क्वायर में जब वैल्यू होती है ना तो उसका मतलब होता है उसी वैल्यू का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो हम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, तो एक 1 माइनस कोस थीटा से हमने एक 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल कर दिया तो क्या रहेगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गया, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका प्रूफ हो गया। सो बच्चा इस तरीके से पार्ट वन सॉल्व हो जाता है। नाउ पार्ट टू सॉल्व कर लेते हैं। नाउ पार्ट टू सॉल्व करते हैं। पार्ट टू इज गिवन दैट कोसे अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे, हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 2 sec a के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है? तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके देखते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट? नाउ यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पर क्या है, कोस ए है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, राइट? जब 1 प्लस साइन ए को डिवाइड, 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कोस ए। कोस ए का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। नाउ कोस ए से जब इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा और इसका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा आपका, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट? नाउ आगे सॉल्व करते हैं, ये आपकी वैल्यू हो गई, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्टली मैं यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिख देती हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सभी लोग आई थिंक जानते होंगे। सो यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो कॉस स्क्वायर है तो एज इट इज रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 2 और साइन ए, तो 2 साइन ए रह जाएगा। न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए,
ठीक है बच्चा, समझ आ रहा है ना इतना? नाउ आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी जानते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख देते हैं? वन रख देते हैं। ये वन आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, और प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट बच्चा। ना ऊपर न्यूमिनेटर से आपका टू कॉमन आ जाएगा, तो वन प्लस साइन ए अपॉन में क्या आएगा, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देख रहे हो वन प्लस साइन ए न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू अपॉन कॉस ए, और कॉस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक ए का, यानी कि वन अपॉन कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, टू सेक ए, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया बच्चा, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड हो गया ये आपका कि जो आपको लेफ्ट साइड ये पार्ट था ये राइट साइड के पार्ट के इक्वल है। इस तरीके से पार्ट टू आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नाउ पार्ट थ्री सॉल्व करते हैं। सो पार्ट थ्री इज गिवन दैट टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, ठीक है। इसको प्रूव करना है तो सेम हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे और राइट हैंड साइड के प्रूफ इक्वल प्रूफ करते हैं। सबसे पहले टेन थीटा और कॉट थीटा दिया है, तो हम क्या करते हैं, साइन और कॉस की फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड वन माइनस कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस कोट थीटा को हमने क्या लिखा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा को क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो वन होता है वन के, राइट। तो एलसीएम लेंगे हम लोग, देन सॉल्व करेंगे। तो ऊपर तो क्या रहेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अभी एज इट इज रखते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। वन से जब साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, और न्यूमरेटर में यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वन से साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आई होप ये आपको सबट्रैक्शन समझ आ गया होगा कैसे किया है, ठीक है। नाउ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से जब कोस थीटा एलसीएम आएगा तो यहाँ पे कोस थीटा की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट बच्चा। अब हम आगे कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ये आपका फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो ये जो न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब लोग ये अच्छे से जानते हैं। नाउ सॉल्व करते हैं, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना, ठीक है। प्लस कोस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चा। तो एक चीज देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे क्या है आपका, कोस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा है, तो यहाँ से हम क्या कुछ एलसीएम ले सकते हैं, क्या हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो यस हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। बट यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पे क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन जाएगा। चलिए समझिए, यहाँ पे हमारा गिवन क्या है बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, मैंने क्या किया, माइनस बाहर कॉमन ले लिया, जब मैं माइनस बाहर कॉमन लूंगी मैंने यहाँ रखा यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। मैंने इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस ये मैंने अभी यहीं रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, बट जब मैंने माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और इस माइनस की जब इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे किसका साइन आ जाएगा, आपका माइनस का, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब देखते हैं आपका डिनोमिनेटर से क्या क्या एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे एक तो साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा आपका एलसीएम आता है, सेकंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका एलसीएम आता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस वाली वैल्यू से जब इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचा। साइन थीटा की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। सेम इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है आपको, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट बच्चा, अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, क्या कुछ सॉल्व हो रहा है? यस होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, कुछ तो रिमूव हुआ एटलीस्ट। ठीक है, तो कुछ तो वैल्यू डिक्रीज हुई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बचता है। अब इस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को अलग अलग ब्रेक कर लीजिए, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट बच्चा। तो यहाँ से तो ये आपका कैंसिल हो गया, वन बचता है। वन अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के, एंड वन अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। तो यहाँ से ये आपका क्या आ गया, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये प्लस में वन, और आपको प्रूफ भी यही करना था, वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा दैट इज राइट हैंड साइड, तो हैंस ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। तो इस तरीके से ये आपका पार्ट थ्री कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। समझ आया ना, वीडियो अब तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट करके बताइए यस मैम समझ आ रहा है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिएगा, और हाँ सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो पार्ट फोर देखते हैं, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट किसमें है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, सेक को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय वन अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता क्या होता है बच्चा, वन होता है। तो यहाँ से हमने कॉस ए एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या जाएगा, कॉस ए प्लस वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन कॉस ए, इतना समझ आ रहा है सबको। नाउ ये आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है, इसके इससे मल्टीप्लाई होती है, इसके इससे मल्टीप्लाई होती है। सो यहाँ से वन प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, सो हमारा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आपका वैल्यू क्या आया, वन प्लस कॉस ए। बट राइट साइड में आप देख रहे हो हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे क्या है, वन प्लस कॉस ए, दैट मीन्स हमें न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू चाहिए, वन माइनस कॉस ए चाहिए, सॉरी डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, वन माइनस कॉस ए चाहिए। तो हमें इस वाली वैल्यू में क्या करेंगे, वन प्लस कॉस ए का जो आपका अपोजिट साइन का वैल्यू है वन माइनस कॉस ए, इससे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स वन माइनस कोस ए से हमने न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दी, एंड डिनोमिनेटर जो कि वन होता है उसको भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वन प्लस कोस ए प्लस बी, और ये क्या हुआ, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू वन, ए माइनस बी का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स वन स्क्वायर ए माइनस कोस ए स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन वन माइनस कोस ए, तो वन माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। अब वन माइनस कोस स्क्वायर हमें तो क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, चलिए वो भी ले आते हैं। तो आप सभी जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी किसके इक्वल होता है, वन के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, वन माइनस कोस स्क्वायर ए, दैट मीन्स वन माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए की। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन वन माइनस कोस ए, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव्ड। तो इससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाता है बच्चा, राइट हैंड साइड के।
ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी गिवन हो सिर्फ आपको कोशिश करना है उसे सॉल्व करने की, कंसेप्ट को समझने की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। सो आदर्श अग्रवाल के भी न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए हैं, आपको देख लीजिएगा। न्यू एडिशन के, SST के, कंप्यूटर के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए ना, आपको सबको चैनल पर अवेलेबल है। प्रिंस एजुकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी अवेलेबल है। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है, दी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स की जो टेबल है वो मैंने उंगलियों पर लर्न कराना सिखाया है, तो उसकी जो वीडियो है ऊपर आई टैब पर क्लिक करिएगा, मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ पार्ट 5 आपको गिवन है, कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक प्लस कोसेक ए प्लस कोट ए। और आपको गिवन है कंडीशन के यूज करना है आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, राइट? तो ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, चलिए। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब आपको यहाँ पे देखते हैं कोस और साइन के फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे किसमें है, कोसेक और कोट की फॉर्म में है। अब कोस और साइन आपका कोट की फॉर्म में और कोसेक की फॉर्म में कैसे आ सकता है? देखिए, अगर हम इसको कोस को साइन से डिवाइड कर दे तो कोट बन जाएगा, क्योंकि कोट एक किसके इक्वल होता है, कोसे अपॉन साइन है के। साइन एस को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन है किसके इक्वल होता है, कोसेक एक इक्वल होता है। ठीक है, कोसेक एक एस इक्वल होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोसे अपॉन साइन ए। ठीक है, आप पूरा टर्म को एक लाइन में क्या कर दीजिए, हम दोनों को डिवाइड कर दिया, साइन ए से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन पूरी टर्म्स को डिवाइड कर दिया। तो इंडिविजुअली हम साइन ए की फॉर्म में लिखते हैं, कोसे अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ब्रैकेट में लेके हमने सबको डिवाइड कर दिया, अब इंडिविजुअली हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। चलिए, नाउ डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कीजिए, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। इतना क्लियर है बात? चलिए, कोस अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, आपका कोट ए के इक्वल होता है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 के इक्वल, प्लस 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया, कोसेक ए के इक्वल। ठीक है, यहाँ से कोसे अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया बच्चा, आपका कोट ए के इक्वल हो गया, सब लोग जानते हैं ना, समझ आ रहा है ना, प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, हम लोगों का ये टर्म आ गई, एक आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, जब आप देखेंगे यहाँ पे तो कोट ए और कोसेक ए स्क्वायर तो नहीं है, सो यहाँ पे या तो हमें स्क्वायर बनाना होगा, कुछ मल्टीप्लीकेशन करना होगा, या फिर हमें ना यहाँ पे 1 नजर आ रहा है, और इस टर्म, इस आइडेंटिटी में भी हमें एक 1 नजर आ रहा है। तो अगर हम कोट ए को इस साइड ले आई, दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 रह जाएगा, और 1 की जगह पे भी तो हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें बोला है कि आइडेंटिटी यूज करनी है, तो हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं हम यहाँ पर पुट, कोट ए एज इट इज रखिए प्लस कोसेक ए, ठीक है, माइनस 1 को भी एज इट इज रखिए, सिर्फ 1 के रिप्लेसमेंट पे हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चा, अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, या फिर 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए लिख सकते हो ना आप इसको ऐसे, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, राइट? ठीक है, चलिए इसको भी ब्रैकेट में ले लीजिए। ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए, ये एज इट इज माइनस, इसको चेंज कर दीजिए, कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए प्लस कोट ए, राइट बच्चा? अपॉन में क्या रहता है हमारा, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब देखते हैं न्यूमिनेटर में कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, दोनों ये यहाँ से दोनों साइड दोनों टर्म से आपकी कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आता है, तो हम कॉमन ले लेते हैं कोट ए प्लस कोसेक ए। तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 बचेगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, ब्रैकेट्स का स्पेशली ध्यान दीजिएगा। नाउ 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक
ठीक है। अब जो ये माइनस है ना, इसकी ब्रैकेट के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए कर लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए वन माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए डिवाइडेड बाय वन प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। सो एक चीज देखिए, वन यहाँ पे भी है, प्लस वन यहाँ पे भी है, माइनस कोसेक ए यहाँ पर भी माइनस कोसेक ए, प्लस कोट ए यहाँ पर भी प्लस कोट ए। तो ये एक पूरी टर्म है जो कि आपकी पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो रही है, और यहाँ से क्या बचता है आपका, कोट ए प्लस कोसेक ए, एंड दैट इज राइट हैंड साइड। सो इस तरीके से ये आपका पार्ट फाइव पूरा सॉल्व हो जाता है। बच्चा आपके ना बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं कि मैम हम लोग को रटाफिकेशन करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे। सो ये तो आपने अभी शुरुआत की है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, आरएस अग्रवाल सॉल्व करेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ना खुद से अच्छा लगने लगेगा, खुद से ईजी लगने लगेगा, आप सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो पार्ट सिक्स आपको गिवन है, स्क्वायर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए के प्रूफ करना है। सेम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। नाउ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्क्वायर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किए हैं आरएस अग्रवाल के बुक से, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है उसका डिफरेंट साइन, ठीक है, जैसे वन माइनस साइन है तो वन प्लस साइन, उससे हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स वन प्लस साइन है, ये स्क्वायर रूट के अंदर ही चलेगा, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट आगे इंक्रीज किया है, ध्यान रखना, वन प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से तो क्या आ गया, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी दिख रहा है आपको, तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहां से क्या हो गया, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आप चाहें तो ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लीजिए, देन वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है आपका, आपने एक आइडेंटिटी रीड आउट की है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल आता है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। तो हमने क्या किया, वन माइनस साइन स्क्वायर ए को किसके इक्वल पुट कर दिया यहाँ पर, कोस स्क्वायर ए के, ठीक है। तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए। सो बच्चा आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट से ये टू कैंसिल हो जाएगा और ये भी टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपका क्या रह जाएगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअल ब्रेक कर लेंगे, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। वन अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सेक ए के, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, टेन ए के। यही बच्चा आपको प्रूफ करना था। सो दिस इज राइट हैंड साइड, प्रूफ हो जाता है ये आपका। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया ना, वीडियो तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट करके बताइए यस मैम समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो पार्ट सेवन देखते हैं अब हम लोग, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है, टेन थीटा की, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सो बच्चा यहां से देखते हैं दोनों में साइन थीटा है न्यूमरेटर में, तो बाहर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। सेम डिनोमिनेटर से भी आपका कोस थीटा कॉमन आता है, क्या बचेगा आपका, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब एक चीज देखिए, हमें टेन थीटा लाना है, दैट मीन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। सो जो हमें ये वैल्यू है ना, ये कैंसिल करनी है किसी तरीके से, इसको कट करना है, कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्या है, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, राइट। अब हम एक चीज देखते हैं, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के। ठीक है, तो ये जो वन है ना यहाँ पे, वहां पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रखते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा राइट अपॉन टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर भी हम लोग रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों साइन किसके हो जाएंगे, नेगेटिव के हो जाएंगे। सो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का वन साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर या फिर वन, एक ही बात होता है। ठीक है, अपॉन कॉस थीटा, सेम बच्चा इसको ओपन कीजिए, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस राइट। चलिए, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो अब देख रहे हैं ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, वही जल्दी से कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो बच्चा इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो जाता है, कितना ईजी है ना, सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नाउ पार्ट सेवन थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है समझ आने के बाद। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बाद में आपको अच्छा लगेगा। राइट, साइन ए प्लस कोस एक्स स्क्वायर ए प्लस कोस ए प्लस एक्स स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, कि मैम इसे सॉल्व करके सेवन कैसे आएगा यार, तो आइए देखते हैं कैसे आएगा। राइट, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में हम लोग अप्लाई करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ से आता है साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस टू साइन a इंटू कोसेक a। चलिए इसको ओपन करते हैं, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस टू कोस a इंटू सेक a। समझ आया इतना हमने क्या किया, चलिए ब्रैकेट में देख लीजिए अगर आपको डाउट है तो इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ओपन कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। एक चीज देखिए, साइन ए कोसेक के रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन साइन ए प्लस टू साइन ए इंटू वन अपॉन साइन ए। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में रख लीजिए या ब्रैकेट हटा दीजिए बिकॉज प्लस में है, साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे बच्चा सेक स्क्वायर ए है तो ये सेक स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, तो साइन चीजों का ध्यान रखना है हमें, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए इंटू सेक ए राइट। यहाँ पर भी सेके को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कोस ए लिख सकते हैं क्योंकि सेके किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस ए का। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आइडेंटिटी सबको मालूम है किसके इक्वल होती है, वन के। तो इसलिए हम इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू प्लस sec स्क्वायर a प्लस टू। तो यहाँ से साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a की जगह पे क्या आ गया, वन प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस टू प्लस sec स्क्वायर a प्लस टू। सबसे पहले टू प्लस टू प्लस फोर प्लस वन कितना हो गया, फाइव हो गया। ठीक है, अब हमें tan और cot की फॉर्म में लाना है cosec और sec को। cosec और sec के बीच तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है बट हम लोग दो आइडेंटिटी जानते हैं, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस कोट स्क्वायर ए, सेम सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। सब लोग जानते हैं दोनों आइडेंटिटी, तीन ही आइडेंटिटी होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर की जगह पे हम वो रख देते हैं, कोसेक स्क्वायर यहाँ से ये टू और ये तो आपका ऐड होकर फाइव हो गया। कोसेक स्क्वायर की जगह हमने रखा वन प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर ए।
ठीक है, तो जब हम ओपन करेंगे 5 + 1 = 6 + 1 = 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10² a एंड दिस इज राइट हैंड साइड, देख सकते हैं 7 + 10² a प्लस कोट स्क्वायर है, यही आपको प्रूफ करना था, है ना इजी, सिर्फ किसकी नीड है, प्रैक्टिस की। सो मैं आपको बार बार एक ही बात बोलूंगी, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं ना, पार्ट 9 देखते हैं। सो बच्चा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसेक, इसके इक्वल आना है 1 + 10a प्लस कोट ए के, ठीक है, इसके इक्वल हमें लेके आना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cosec a लिख सकते हैं, एंड कोसे को क्या लिख सकते हैं, 1/sec a लिख सकते हैं, राइट, तो कोसेक ए माइनस 1/cosec a इंटू सेक ए माइनस 1/sec a, राइट। नाउ यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 होता है, कोसेक ए आप अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, सेक ए आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्लियर है ना इतना। तो चलिए आप कोसेक ए को भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1/sin a और सेक को भी कर सकते हैं 1/cos a, ठीक है, यही कंडीशन आएगी। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है, अब कोसेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका होता है कोट स्क्वायर ए, आपने रीड आउट किया है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, हम कोट स्क्वायर ए को राइट साइड ले आए, 1 को लेफ्ट साइड ले आए, ठीक है, तो इसकी जगह पर हमने रख दिया कोट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक ए इंटू सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या रख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 + 10² a के, और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10² a के, ठीक है, क्लियर। चलिए तो इसकी जगह हमने रख दिया 10² a अपॉन सेक ए, ठीक है बच्चा, तो कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1/10² a के, कोसेक ए यहाँ पे रख दिया हमने इंटू 10² a अपॉन सेक ए, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये 10² a से तो 10² कैंसिल, 1/cosec a किसके इक्वल होता है, साइन ए के, एंड 1/sec a किसके इक्वल होता है, कोस ए के, ठीक है। ये हमारा आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करें तो और इजी हो जाता है, ठीक है। बाय चांस आपको यहाँ पे ये चीज़ें नहीं समझ आ रही कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे, नाउ राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वली आते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में कर सकते हैं, अदर क्वेश्चन में भी आप लोग कर सकते हैं। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि आपको अपॉन में लाना है, एडिशन में लाना है वो भी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर लेंगे और दोनों के साइड्स बीच को आप आर्ट ले आएंगे जो कि इक्वल होगा, ठीक है। तो 1/tan a किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कोस ए के, प्लस कोट ए किसके इक्वल होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। हमने क्यों ओपन किया, क्योंकि हमारी यहाँ पर फॉर्म किस में है, साइन ए और कोस ए की फॉर्म में है। सो बच्चा यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए, 1 तो एज इट इज रहने वाला है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे 1 के अपॉन में क्या है, डिनोमिनेटर 1 ही होगा, ठीक है। चलिए इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, तो साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब सब लोग आइडेंटिटी जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के, तो साइन ए इंटू कोस ए डिवाइडेड बाई 1, दैट मीन्स साइन ए इंटू कोस ए, एंड दैट इज राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, यहाँ से साइन ए इंटू कोस ए दोनों साइड से आपका ये इक्वल आ गया, दैट मीन्स जो हमने लिया था ना ये पार्ट, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कोई कितनी बार क्या करना पड़ता है, राइट हैंड साइड भी हमें सॉल्व करनी पड़ जाती है। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, मैं इसका भी आपको कंसेप्ट बता देती हूँ। इसमें क्या है आपका, डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है हमेशा, ठीक है, तो 1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर रख देंगे, और ये साइन ए इंटू कॉस ए वो क्या ले आएंगे, उसके डिनोमिनेटर में, मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस। जैसे हमने 1 के रिप्लेसमेंट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रख दिया, साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन न्यूमिनेटर इसमें लिया,
लगाया आप डिनोमिनेटर में और फिर इंडिविजुअली इनको डिवाइड कर दिया तो वापस आपकी फॉर्म आ जाएगी 1 plus tan A upon cot A। ठीक है, साइन ए अपॉन कोस ए को आप टेन ए रख देंगे और यहाँ पे आप कोटे रख देंगे, करके देख लीजिएगा हो जाएगा। लेकिन आपके माइंड में नहीं आता इस टाइप से कि हम 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रखें तो कैसे सॉल्व करें, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें नहीं अदर क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं जिसमें आपको लगे मान लिया आपसे नहीं हो रहा है कि कैसे सॉल्व करें, तो दोनों साइड को सॉल्व कर लीजिए और बीच से एक वैल्यू ले आइए जो दोनों में सेम आ रही हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चा ये लास्ट पार्ट है, इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन गिवन है 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A इसके भी इक्वल हो और tan square A के भी इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं इसको या तो इसके इक्वल प्रूफ कर दो चाहे इसके इक्वल प्रूफ कर दो, एक ही बात है, इसको भी इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हैं या फिर इसके भी। तो मुझे लगता है tan square A के इक्वल ज्यादा लाना प्रूफ इक्वल है, इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे तो तीनों ही आपस में इक्वल आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टर्म लेते हैं 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A। आइडेंटिटी याद है सबको, sec square A किसके इक्वल होती है हमारी 1 plus tan square A एंड cosec square A किसके इक्वल होता है 1 plus cot square A। सब लोगों को याद है अच्छे से। तो हमने क्या किया 1 plus tan square A की जगह पर रख दिया sec square A, 1 plus cot square A की रिप्लेसमेंट रख दिया cosec square A। sec square A किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो यहाँ से क्या आ गया 1 plus cos square A। cosec A किसका रेसिप्रोकल होता है sin का, तो 1 upon sin square A। ये ऊपर गया, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स sin square A upon cos square A एंड दैट इज इक्वल टू tan square A। तो एक पार्ट से तो आपका सॉल्व आ गया। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट उठा लेते हैं हम यहाँ से, 1 minus tan A का whole square divided by पूरे का whole square है, 1 minus tan A upon 1 minus cot A का whole square। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 minus sin A upon cos A divided by 1 minus cos A upon sin A इसका whole square, राइट। तो यहाँ पे 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ तो एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा cos A, दैट मीन्स cos A माइनस sin A। ठीक है, यहाँ पे sin A एलसीएम आएगा तो क्या बन जाएगा आपका sin A माइनस cos A। ठीक है, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है ये इस न्यूमिनेटर के साथ एंड ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो cos A माइनस sin A इंटू sin A डिवाइडेड बाय sin A माइनस cos A इंटू cos A और इसका पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, मैंने अभी होल स्क्वायर ओपन नहीं किया है। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब आगे देखते हैं इंडिविजुअली इनके स्क्वायर रखते हैं हम, cos A माइनस sin A इसका होल स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर A डिवाइडेड बाय sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर इंटू cos A। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बच्चा एक चीज देखिए, यहाँ पे cos A माइनस sin A का होल स्क्वायर है, यहाँ पे sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले, ठीक है, तो वो क्या आएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा इंटू cos A, यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस sin A हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस cos A हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, अगर हम माइनस 1 का होल स्क्वायर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस 1 बाहर कॉमन ले ले तो स्क्वायर के साथ आएगा, तो माइनस साइन ए प्लस कोस ए हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस माइनस कितना होगा, मैं अभी कंसेप्ट समझा रही हूँ सिर्फ, ये सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करना समझा रही हूँ। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम भी होगा
कि अगर इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साइन ए माइनस कोसे का स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम उनके लिए मैंने ये खुल के बताया है कि हमने क्या किया, माइनस वन बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस वन स्क्वायर के साथ ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है पूरे ब्रैकेट का। और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन ए हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे जब माइनस कॉमन लेंगे बाहर, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो हम इसे कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोसे साइन ए माइनस कोसे के होल स्क्वायर को कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ऊपर का चेंज कर लीजिए चाहे नीचे का चेंज कर लीजिए, किसी भी एक वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए। सो कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोसे माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए के। अब ये वैल्यू भी आपके टेन स्क्वायर ए के इक्वल, ये वैल्यू भी टेन स्क्वायर के इक्वल, तो ये भी तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे ना भाई। ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, ये भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल हो गया, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे ना, ये चीजें मालूम है ना अच्छे से। सो इस तरीके से ये पार्ट टेन भी आपका सॉल्व हो जाता है। ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसी कंसेप्ट में। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चा, कमेंट करके बताइए कि इसमें समझ आ गया, बिकॉज आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। ठीक है, तो इसलिए कमेंट लाइक तो बनता है, एंड चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। कंप्यूटर के, एसएसटी के, साइंस के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए, चैनल पर भी अवेलेबल है, प्रिंस एजुकेशन ऐप पर भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। ऊपर आई टैब पर ट्रिग्नोमेट्री के सारा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट मिलेगा, टी रेशियोज और सम पर्टिकुलर एंगल्स की फिंगर्स पर ट्रिक मिलेगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं। ओके, सो आई होप ये सब चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक यू।